हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूनिट फर्स्ट एमएससी केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ और टॉपिक देखने वाले हैं, तीन चार टॉपिक। ठीक है, तो मैं एक ही वीडियो में इसको कवर करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए और समझते जाइए, है ना। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको सबसे पहले देखने को मिले। और कोई समस्या हो कमेंट कीजिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका एमएससी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको वीडियो मिलता है। ठीक है, तो नोट्स कॉपी पेन ले लीजिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, उसको सुनते भी चलिए, देखते भी चलिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक ले लेते हैं हम, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का हिंदी में मतलब होता है संचरण, है ना। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, एक मीडियम एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, यहाँ पे लाइट क्या करता है, किसी मैटर में गिरता है और पार हो जाता है ना, पास हो जाता है। मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पास होना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। लिख लीजिए, मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सीधा सीधा पास होना ट्रांसमिशन कहलाता है। इसमें क्या हो सकता है, आपको मालूम है एटम्स, मीडियम क्या होगा, यहाँ पे हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो एटम्स या मॉलिक्यूल ही होंगे, है ना। उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ओसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ओसिलेशन एक डायरेक्शन में हो जाए। ठीक है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएं इस लाइट की वजह से, ये न्यूक्लियस हो, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। एटम क्या हो जाएगा, एटम यहाँ पे पोलराइज्ड हो जाएगा, मतलब एक सिरा में ज़्यादा नेगेटिव और एक सिरा में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल का यहाँ पे पोलराइजेशन पॉसिबल है। यहाँ पे किसका पोलराइजेशन पॉसिबल है, मॉलिक्यूल का या फिर एटम्स का। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ओसिलेट करते रहता है, तो वो लाइट के इफेक्ट के कारण एक दिशा में या दूसरे दिशा में इधर उधर भटक सकता है, जिससे मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन उत्पन्न हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। इट इज़ ए स्टेप वाइज प्रोसेस, मतलब ये क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। एक स्टेप दो स्टेप में ये क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है, स्टेप आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगी, अगर मान के चलो ये मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है, इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी हो सकता है इसको पोलराइज करने में यूज हो जाए। ठीक है, कुछ एनर्जी क्या हो जाए, इसको पोलराइज करने में यूज हो जाए, तो ये क्या हो सकती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। तो आप डाल सकते हो यहाँ पे इस पॉइंट को कि न्यू क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जरूरी नहीं कि जितना न्यू पहले था उतना ही न्यू बाद में भी आए, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी पहले था उतना फ्रीक्वेंसी बाद में भी आए, पर डायरेक्शन क्या होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो इस तरह का घटना कहाँ देखने को मिलता है, ये जो घटना है वो ट्रांसपेरेंट मैटर में देखने को मिलता है। ऐसा मैटर जो ट्रांसपेरेंट है ना, ऐसा मैटर जो पारदर्शी है, तो उसमें क्या होगा, लाइट आएगा, चला जाएगा, पार हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटम्स क्या हो सकते हैं, पोलराइज्ड हो सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको ये कहाँ क्या बतानी है, संचरण में बतानी है, ट्रांसमिशन में बतानी है। ठीक है, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, है ना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप नोट्स बना लीजिए, है ना। मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पास होना क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। इस घटना से एटम्स या मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस, एटम मॉलिक्यूल और एटम्स और मॉलिक्यूल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ओसिलेट करते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का माइग्रेशन एक डायरेक्शन पे हो सकता है। ठीक है, जिससे एटम या मॉलिक्यूल पोलराइज हो सकते हैं। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिससे फ्रिक्वेंसी चेंज भी हो सकती है अगर इंट्रैक्शन करता है तो, अगर इंट्रैक्शन करता है तो एनर्जी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैटर चाहिए। इतना सारी चीज़ें आपको लिखना है किसमें, ट्रांसमिटेंस में। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब किसी सॉलिड सरफेस या चमकीली सतह पे, या कह सकते हो आईना में, आईना में आपने देखा होगा कि अगर हम धूप करते हैं तो धूप क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आती है सतह से टकराती है और किसी दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई सॉलिड सरफेस होगा। ठीक है, इंसिडेंट लाइट किस पे पड़ेगा, सॉलिड सरफेस के पास होगा, और यहाँ पे क्या होता है, लाइट का मैटर के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे अगर हम कोई सतह में गेंद पटके, तिरछा गेंद पटके, तो गेंद क्या हो जाएगा, दूसरे दिशा में चला जाएगा, थीटा एंगल बनाते हुए ट्रांसमिटेंस हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉलिड मटेरियल विथ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस में सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पे ये घटना देखने को मिलती है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस है वो इंसिडेंट का भी वही होगा और ट्रांसमिटेंस का भी वही होगा। अगर यहाँ पे कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेंस लाइट की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना सारा चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। सबसे अहम चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल होना चाहिए विथ प्लेन सरफेस, ठीक है। अगर मान के चलो लिक्विड मटेरियल भी है लेकिन वो क्या होगा, लाइट को एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट करने के कैरेक्टर नहीं रखता है, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर मान के चलो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यदि यहाँ पे कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है मीटर के साथ में, अगर इंट्रैक्शन हो रहा है कुछ लाइट, तो यहाँ पे म्यूटी प्लस एब्जॉर्ब लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू एब्जॉर्ब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब तब क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट में लिखिए, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, ट्रांसमिटेंस या रिफ्लेक्ट को मैं आर से शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ टी नहीं कर रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड लाइट प्लस एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी के बराबर होगी या उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट का मैटर के साथ में नो इंटरेक्शन भी हो सकता है, प्लस इंटरेक्शन भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन कर भी सकता है नहीं कर सकता है, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो इंट्रैक्शन हो रहा है या तो इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है उस कंडीशन में ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, दोनों बराबर होगा। लेकिन अगर मैटर के साथ में इंट्रैक्शन हो रहा है कुछ लाइट का इंट्रैक्शन हो रहा है, तब उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का अगर हम इंटेंसिटी निकालना चाहें या फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, तो क्या होगा, न्यू आई माइनस न्यू एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया जो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है डिस्पर्सन। ये सर सारे के सारे शॉर्ट नोट में आने वाले टॉपिक है, आपके सिलेबस में कोमा करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आप सभी को उसको समझना है। अगला है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या हो जाता है, डिस्पर्सन मतलब फैल जाना, ठीक है, लगभग ये स्कैटरिंग के जैसा ही है। डिस्पर्सन मतलब मीडियम में डिस्पर्स हो जाना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि डिस्पर्सन जो है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लाइट क्या होता है, आता है, ठीक है। अब ये हीरे का चमकना यहाँ पे थोड़ा सा सूट नहीं कर रहा है, ये मीडियम में डिस्पर्स हो जा रहा है, मीडियम में फैल जा रहा है ना, इसको मैं स्कैटरिंग को यहाँ दिखा रहा था, दरअसल मैं स्कैटरिंग समझाने वाला था यहाँ पे। ये क्या होता है, लाइट यहाँ पे आने के बाद में मीडियम में ही डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है ना, मैटर के साथ इंट्रैक्ट करके वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है मीडियम में, है ना, मीडियम में ही क्या हो जाता है, फैल जाता है। अगर ट्रांसमिट होता भी है बाद में तो वो डिफरेंट एंगल में होता है ना, जब हम लाइट सोर्स हटा देते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट एंगल में क्या होता है, ये परावर्तित जाता है लाइट सोर्स हटाने के बाद, ठीक है। ये स्कैटरिंग टाइप का प्रोसेस आपको दिखाने को मिलेगा, है ना, स्कैटरिंग टाइप का प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन और उसका जो डिस्पर्सन जो हो रहा है, मटेरियल में फैलने का जो प्रोसेस हो रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, मैटर के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैटर का कैरेक्टर या फिर एटॉमिक कैरेक्टर या फिर मॉलिक्यूलर कैरेक्टर, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लाइट को डिस्पर्स कर सकता है, कितना लाइट को अपने आप में समाहित कर सकता है, फैला सकता है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसा मटेरियल होता है, लाइट में रख देने पर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट सोर्स हटाने के बाद में वो क्या करने लगते हैं, खुद चमकने लगता है, ठीक है, खुद क्या होने लगता है, चमकने लगता है। तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहेंगे,
डिस्पर्शन मटेरियल कहते हैं। जैसे यहां मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये एब्जॉर्ब लाइट है, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है, ठीक है, मतलब इस मीडियम में क्या हो जा रहा है, ये फैल जा रहा है, ठीक है। अब ये फैलेगा, फाइनली ये क्या देगा, हीट देगा, मतलब एनर्जी देगा, क्या देगा, ये एनर्जी देगा लास्ट में, जब हम ये लाइट सोर्स हटा देंगे तो ये क्या देगा, एनर्जी देगा। तो मैं यहाँ पे उसको दिखाने का प्रयास कर रहा था, सभी एक्शन को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पे कैसे एक ही डायग्राम में सबको दिखाऊं, ठीक है। और डिस्पर्शन कैसे होता है, एक तो इसके दो प्रकार है, नॉर्मल और दूसरा होता है एबनॉर्मल। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है ना, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम नॉर्मल डिस्पर्शन कहते हैं। जब ये लाइट निकलेगा, है ना, जब ये लाइट निकलेगा तो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट ही निकालेगा जितना इंसिडेंट था, जितना लाइट वो, जितना फ्रीक्वेंसी की लाइट वो एब्जॉर्ब किया था उतना ही लाइट को यहाँ से निकाल रहा है, तो वो क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मल डिस्पर्शन कहलाएगा। अब एबनॉर्मल क्या होगा, जिसमें चेंजेस हो जाए, न्यू में क्या हो जाए, न्यू की वैल्यू में चेंजेस हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल डिस्पर्शन कहलाएगा। मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, अगर मटेरियल कुछ ऐसा है जो खुद लाइट को और एनर्जी दे दे तो एनर्जी बढ़ भी सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है, अधिक होने के चांसेस तो कम ही होते हैं, यहाँ पे क्या होगी, कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे डिस्पर्शन को हम समझा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिलहाल यहाँ मिटा दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक ही डायग्राम में इन सारी घटनाओं को दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ किसी मीटर पे, है ना, किसी मीटर पे क्या हुआ, लाइट जो है इंसिडेंट गिरा, इसका कुछ मात्रा रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कुछ थीटा एंगल बना के इधर चला गया, कुछ ट्रांसमिशन हो गया कुछ मटेरियल का, कुछ लाइट का इस मटेरियल के थ्रू क्या हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, मतलब पार हो गया, ठीक है। कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, मतलब अपना जो जाने का डायरेक्शन था उस डायरेक्शन में जाके थीटा एंगल बना के वो कहाँ जा रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इस घटना को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्शन हमने देखा और ट्रांसमिशन हमने देखा, ठीक है, डिस्पर्शन हमने देखा, यहाँ पे ये मैटर में फैल जा रहा है, ठीक है, ये डिस्पर्शन हो गया। एक टॉपिक और आता है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब थीटा एंगल बना के झुक जाना, ठीक है। जैसे ग्लास में हम रॉड डाल के देखें तो रॉड हमको पानी के गिलास में क्या दिखता है, टेढ़ा दिखता है, क्यों, क्योंकि लाइट वहाँ पे रिफ्रैक्ट कर रही है, उस वजह से हमको सीधा भी रॉड टेढ़ा दिखने लगता है, ठीक है। और एक नया चीज़ यहाँ पे आ रहा है, वो है पोलराइजेशन। अगला टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिए, छोटा छोटा टॉपिक है, चार चार पाँच पाँच पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। मॉलिक्यूल या एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, मतलब हर एटम, जैसे मान के चलो ये क्या है, मेथेनॉल, मेथेन है, एच मेथेन ले लिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, किसी का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, है ना, कोई। अब सबसे अहम चीज यहां पे क्या होते हैं, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, खैर मेथेन जो होता है पोलराइज्ड नहीं होता, क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड जो है सेम टाइप के एलिमेंट से जुड़े होते हैं, मतलब हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। तो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाइट का पोलराइजेशन कर देते हैं, ठीक है, लाइट का पोलराइजेशन कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए निकोल प्रिज्म, अगर हम क्या करें, एक नॉर्मल लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है, सभी दिशाओं में होता है, ठीक है। नॉर्मल लाइट का वाइब्रेशन का जो प्लेन होता है वो ऑल डायरेक्शन में होता है, फुटबॉल जैसा गोल होता है ना, वैसे ऑल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निकोल प्रिज्म से इसको पास कराएं तो हमको क्या मिलेगा, एकदम एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाले, वाइब्रेशन इन सेम प्लेन, है ना, एक ही प्लेन में वाइब्रेशन करने वाले मॉलिक्यूल, लाइट हमको मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से एटम के स्ट्रक्चर के कारण इनकी कैपेसिटी होती है कि लाइट को पोलराइज कर दें, लाइट को पोलराइज करें। लाइट को पोलराइज कैसे करेंगे, अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को हम किसी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल से गुजारते हैं, ठीक है, यहाँ से गुजारते हैं, इसका डायरेक्शन क्या था, सीधा था, तो पास होने के बाद जो है इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसको क्या कर दिया, ये घुमा दिया, ठीक है। अगर हम नॉर्मल लाइट को इसको यहाँ पे अप्लाई करते तो वो घुमा भी रहा है तो हमको पता कैसे चलता, हमको पता चलता ही नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल लाइट से हमको पता नहीं चलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले निकोल प्रिज्म लेते हैं, निकोल प्रिज्म से हम लाइट को प्लेन पोलराइज बना लेते हैं, उसके बाद में मॉलिक्यूल में अटैक कराते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, लाइट को ट्विस्ट करा देता है, कितना ट्विस्ट कराया, थीटा, थीटा एंगल में ट्विस्ट करा दिया, क्लियर हो गया। तो ये होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब इस मॉलिक्यूल में लाइट को पोलराइज करने की क्षमता थी, लेकिन नॉर्मल लाइट अगर हम करें यहाँ अप्लाई करें तो पोलराइज कर रहा है ये नहीं कर रहा है, पता नहीं चलता था, इसलिए हम प्लेन पोलराइज लाइट को यहाँ अटैक करवाते हैं, जिससे मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन होता है, वो लाइट को घुमा देता है। लाइट को घुमा देना क्या है, पोलराइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है और लाइट को पोलराइज कर देती है, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग देख लेते हैं। स्कैटरिंग के लिए मैं कुछ स्पेस ले लेता हूं, यहां पे आपको स्कैटरिंग में वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, लाइट का वाइब्रेशन को समझना पड़ेगा, है ना। तो बस कुछ ही टॉपिक है यहां, यहां भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, है ना। स्कैटरिंग में क्या होता है कि लाइट जो है ऑल प्लेन में वाइब्रेट करता है, जैसे ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये भी प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, इधर भी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, सामने भी वाइब्रेट कर रहा है, बगल में भी वाइब्रेट कर रहा है, सभी चारों दिशाओं में, है ना, मतलब ऑल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। जब ऐसे लाइट को हम किसी मटर में गिराते हैं, जैसे कि हीरा, है ना, तो वो चमकने लगता है, मतलब एक कोने से भी अगर हम लाइट गिराएं, केवल एक ही बीम अगर यहाँ पे गिराते हैं, चलो चलो इसको छोड़ दो, ठीक है, एक ही बीम गिराते हैं तो हीरा क्या करता है, पूरे इसको चारों दिशाओं में फैला देता है, ठीक है, ये चारों दिशाओं में फैला देता है, किसको, लाइट को, एक डायरेक्शन से अगर लाइट भी ले रहा है तो वो चारों दिशा में फैला देगा। तो इस तरह की घटना क्या कहलाती है, स्कैटरिंग कहलाती है, ठीक है, स्कैटरिंग कहलाती है। तो यहाँ पे जो लाइट हमको मिलेगा, है ना, इस लाइट को कैप्चर करने पर 90 डिग्री में अगर हम देख लें, इसका ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से लाइट को हम क्या कर लेते हैं, कुछ लाइट को कैप्चर करते हैं, तो इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, मतलब कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ। अगर इंट्रैक्शन हुआ तो न्यू क्या होगा, हो सकता है कम हो, और न्यू क्या हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन पॉसिबल है, और ये दोनों कंडीशन के कारण ही आपको रमन इफेक्ट देखने को मिलता है, रमन इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं रमन इफेक्ट क्या होता है, तो फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पर बस इतना ही बता रहा हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जो इंसिडेंट लाइट है, यदि उसके बराबर फ्रिक्वेंसी वाली लाइट आपको प्राप्त होती है 90 डिग्री में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट का इंट्रैक्शन मैटर के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन यदि इंट्रैक्शन मैटर के साथ हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो कम होगी या तो फिर अधिक होगी, ठीक है। निकलने वाली स्कैटर्ड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम या अधिक होगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। तो रमन इफेक्ट कहाँ से स्टडी करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से स्टडी करते हैं, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या क्या हमने देखा, एक इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट का मैटर के साथ में इंट्रैक्शन हुआ, है ना, इंट्रैक्शन हुआ,
उसके बाद में क्या हुआ, वो लाइट को इमिट करने लगा, खुद क्या करने लगा, लाइट को इमिट करने लगा, है ना। इमिट करते समय वो लाइट को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, स्कैटर मतलब फैला देता है, ठीक है। इस तरह की घटना को ही क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। लाइट के एक इंटेंसिटी को चारों तरफ फैला देना स्कैटरिंग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं हो सकती हैं स्कैटरिंग की वजह से, कुछ घटनाएं हो सकती हैं, उस घटनाओं को लेते हुए हम क्या पढ़ते हैं, रमन इफेक्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तो मैं इतना जो है अपलोड कर दे रहा हूँ, और चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।